Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving steady state analysis question. So, chapter number 2. So this is question number 30 from 2010. 2 marks ke liye aaya tha. Isme aapko ek voltage source given hai, AC voltage hai, ek inductor hai, ek capacitor hai aur ek 1 ohm ka resistance diya hai. आपसे करंट I की वैल्यू पूछी हुई है जो इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है, राइट? तो अभी आपको एक और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10^3. इसको मैं अभी दो मेथड से कर सकती हूँ, या तो ओवरऑल इम्पिडेंस निकाल के यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर दूँ इस वाली ब्रांच का, और वही सेम ब्रांच का करंट दोनों में डिवाइड होगा तो करंट डिविज़न रूल से लगा दूँ, तो वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा. अभी मैं ईजिली मुझे दिख रहा है कि इस नोड पे और इस नोड पे वोल्टेज सेम है ना, तो फिर मैं नोडल एनालिसिस का यूज़ मेरा ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं इसको नोडल से सॉल्व करती हूँ. सो लेट यहाँ पे हमने एक वोल्टेज मान लिया V, राइट? और इसी पॉइंट पर अगर मैं नोडल एनालिसिस परफॉर्म करूँ, सो V -20 एंगल 0 है आपका, और डिवाइडेड बाय ये आपकी इम्पिडेंस कितनी है, जे ओमेगा एल होती है टोटल. L के लिए हमारी इम्पिडेंस होती है j ओमेगा L, और C के लिए हमारी इम्पिडेंस होती है 1/j ओमेगा C. इसको नाम देते हैं XL, इसको नाम देते हैं XC, राइट? नाउ V इसके अकॉर्डिंग इम्पिडेंस कितनी है, 1 प्लस V बाय में, दिस इज 1/j ओमेगा C डिवाइडेड बाय 1/j ओमेगा C, राइट? अब j ओमेगा L की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, यहाँ से 10^3 आपको ओमेगा दे रखा है, एल दे रखा है 20 मिली, सो दिस कम्स आउट टू बी 20j, राइट? और एक्सी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1/j × 10^3. सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 50 माइक्रोफेरेड, सो 10^-6, दिस कम्स आउट टू बी 20/j. 10^3 ऊपर गया तो 100/50 बन गया, तो 20/j उसकी वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू 0. मेरी तीनों ब्रांचेस कवर हो गए हैं, कुछ करंट नहीं है, तो 0 इक्वलेंट कर दिया मैंने. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू, सो दिस विल बी, मैंने वी वाले टर्म्स इकट्ठे किए और कॉमन ले रही हूँ, मैं उनको वी बाय जे ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 20j, राइट? प्लस यहाँ से 1, प्लस यहाँ से 1/j ओमेगा C. 1/j ओमेगा C की वैल्यू क्या आई है आपकी, आपकी ओमेगा सी की वैल्यू आई है 20/j, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस विल बी j/20, राइट? इक्वल्स टू, अभी हमारी वाली टर्म ड्यू थी ना, ये 20 इधर आया, सो दिस इज 20 एंगल 0 बाय में जे ओमेगा एल कितना था आपका, 20j, राइट? नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे जे से मल्टीप्लाई करूँ और जे से डिवाइड कर दूँ, कुछ इशू नहीं है, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/20j j j j - 1 -1/20j + 1, एंड दिस 20 से 20, दिस कम्स आउट टू बी 1/j. अब 1/j को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी j मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी j मल्टीप्लाई किया, तो j × j - 1, सो दिस कम्स आउट टू बी -j. सो आपका v ये कैंसिल हो गया, v इक्वल्स टू -j, राइट? अभी आपसे इसने पूछा i मैं लिख सकती हूँ उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस कितना है उसके ओवरऑल, 1. सो आपका ये आया -j/1, सो आपका करंट भी आ गया -j/1. ईजी लिखने के लिए मैं 1 नहीं लिखती, वो j स्पेसिफाइड है कि 1 ही वैल्यू है, सो दिस करंट आपका आ गया j/1. सो व्हाट वी डिड इज, हमने XL निकाला, XC निकाला और नोडल एनालिसिस लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया. तो जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ही ऐड कर रहे हैं हम, बेसिक से आते हुए हम स्टडी स्टेट में सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, नथिंग एल्स. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 30. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32. ये 2 मार्क्स के लिए आया था 2013 में, राइट? इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 2 मैग्नेटिक कपल्ड इंडक्टिव कोयल्स हैं. इंडक्टिव कोयल्स क्या होते हैं, कोयल दे रखा है आपको, दैट मीन्स एक इंडक्टर है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स एक इंडक्टर है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है. कुछ 2 ऐसे कोयल्स आपस में कनेक्ट हुए हैं जिनका वैल्यू है Q1 और Q2. हम यहाँ पे 2 कोयल्स बना लेते हैं, राइट? और उनका रेजिस्टेंस है R1 और R2.
आर वन इसका हो गया, आर टू इसका हो गया, लेट इट्स का इंडक्टेंस एल वन है, इसका इंडक्टेंस एल टू है, तो सी इसके हमारे एल और आर सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल बाई आर होती है, तो क्यू वन था तो इसी का ले रहे हैं, तो एल वन बाई आर वन, सेम इसका ओमेगा एल टू बाई आर टू। अभी बोल रहा है जब हमने दोनों कोयल्स आपस में सीरीज में जोड़ दिए तो इफेक्टिव क्यू फैक्टर बताओ। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने सीरीज में ऐड कर दिया उनको, सो दिस इज एल वन आर वन एल टू आर टू, इनको जब सीरीज में जोड़ दिया तो ओवरऑल क्यू फैक्टर की वैल्यू पूछी है इसने हमसे, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो जाएगा क्यू वन और क्यू टू, हमें ये जितना भी हमारा क्यू में रहता है ओमेगा एल बाई आर, ये जितना भी एल और आर रहता है ये इक्वलेंट होता है, टोटल की वैल्यू होती है, पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं होती है। तो इसके लिए आप अपना एल इक्वलेंट देखो, इसके लिए क्या हो गया आपका एल इक्वलेंट, एल वन प्लस एल टू सीरीज में कनेक्टेड थे ना, तो सिमिलरली आपका आर इक्वलेंट भी क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू, राइट। अब आपका क्यू क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर, सो दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा एल वन बाय में आर वन प्लस आर टू प्लस ओमेगा एल टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। इसने हमें ना घुमा के दिए थे, ऑप्शंस में घुमाया हुआ था, सो ऑप्शंस में क्या करना था हमें, ऑप्शंस को देखते हुए आप इसको पूरे को आर वन से डिवाइड किया और आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आपका ये क्या बन गया, क्यू वन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे आर टू से मल्टीप्लाई किया और आर टू से डिवाइड किया, ये आपका क्यू टू बन गया, सो दिस इज क्यू वन आर वन प्लस क्यू टू आर टू ओवरऑल डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इसने ऑप्शंस ऐसे घुमा के दिए थे तो आपको जस्ट उसको एडजस्ट करना था अपनी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सो व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन, हमने नॉर्मल कॉइल किया, कॉइल में आपका इंडक्टर और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये इंडक्टर का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों चीज़ मिल के कॉइल बनाती है। कॉइल में सिर्फ आपको L1 नहीं ले लेना कि इंडक्टर इंडक्टर होता है, कॉइल में इंडक्टर रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। हमने पर्टिकुलर Q1 की वैल्यू निकाली, Q2 की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे ऑप्शंस Q1 और Q2 के टर्म्स में पूछे हुए थे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने उसको सर्किट को ड्रॉ किया, L इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकाले, इक्वेशंस में ऐड किया, इक्वेशन एडजस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा आंसर निकाल लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको एक ट्रायंगुलर वेव दी हुई है, उसकी आरएमएस वैल्यू पूछी है आपसे। आरएमएस जो हम कैलकुलेट करते हैं कुछ भी, उसका फॉर्मूला होता है 1/T इंटीग्रेशन ऑफ एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए उस फंक्शन का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंडर द रूट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, दिस इज रूट, दिस इज मीन स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया तो मेन एंड दिस इज स्क्वायर। सो इफ यू सी, इसने ये आपको एक्स दे रखा है कुछ, उसकी वैल्यू वन है पीक, सो अगर मैं इसको लिखूँ सो दिस विल बी लाइक अंडर रूट ऑफ 1/T। आपका 0 to T को मैं दो टाइम पीरियड में डिवाइड करती हूँ, 0 to T/2 और T/2 to T, ओवरऑल यहाँ पे T हो गया ना, दिस इज T/2 एंड दिस इज 0। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कंप्लीट टाइम के लिए कर, सो दिस इज 1/T 0 to T/2 आपकी फंक्शन की वैल्यू का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। अब T/2 और t के लिए तो ये 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, T/2 to T वैल्यू x ऑफ t की 0 है विद रिस्पेक्ट टू dt। अभी आप x ऑफ t को कैसे डिफाइन करोगे, x ऑफ t की स्टार्टिंग वैल्यू है आपकी 0, 0, राइट। फाइनल वैल्यू है आपकी x की वैल्यू है T/2 और y की वैल्यू है 1। इसको मैं, सो योर x ऑफ t इक्वल्स टू 2/T इंटू में t 1/T 0 to T/2, इसको हम स्क्वायर करें सो दिस विल बी 4T² इंटू में T² विद रिस्पेक्ट टू dt, दिस कम्स आउट टू बी 1/T। इसको इंटीग्रेट करें हम t के रिस्पेक्ट में सो दिस विल बी 4 एंड दिस इज T³ इंटू में दिस इज T³/3 जो वेरी कर रहा है 0 to T/2 तक। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़
फोर बाई टी क्यूब इंटू में टी क्यूब बाई थ्री, टू का क्यूब इज़ एट, सो दिस कम्स आउट टू बी वन बाय सिक्स ऑल इन अंडर रूट, सो दिस इज 0.408. बट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमने नॉर्मल आर एम एस का वैल्यू पुट किया, हमें दिख रहा था कि एक यहाँ पे ये लाइन बन रही है जिसका स्लोप m है, m की वैल्यू हमारी y बाई एक्स होती है, सेम हमने पुट करके इसकी वैल्यू निकाल दिया. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35, 2014 में आया था 1 मार्क्स के लिए, राइट. तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सीरीज आरसी सर्किट दे रखा है जो सोर्स से कनेक्ट हुआ है t इक्वल्स टू जीरो के लिए, ठीक है. और आपको उसकी वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है वी एस इक्वल्स टू आर ऑफ आई टी वन बाई सी कैपेसिटर करूँ. तो अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ, सो दिस इज़ लाइक एक वोल्टेज सोर्स है वी एस का, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डी सी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है आपको, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर मैं इसमें केवीएल लगा के लिखूँगी तो मेरी यही सेम इक्वेशन आएगी ना. तो उसने पूछा है जो करंट आई जा रहा है सर्किट में से, दैट मीन्स जो करंट जा रहा है उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे. इसने चार ऑप्शंस दिए थे हमें ग्राफ के. सो अभी आपको ये पता है कि आरसी नेटवर्क है, आपको पता है कि सी हमारा जो है ना वोल्टेज सस्टेन करता है. तो अगर मैं इसको ट्रांजिएंट के थ्रू लिखना चाहूँ तो इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज कितनी लिख सकती हूँ, सी के क्रॉस मैं वोल्टेज कैसे लिख सकती हूँ. इसलिए मैंने ट्रांजिएंट पहले कराया था, वी सी एट एनी पॉइंट टी इज वी सी एट जीरो प्लस माइनस वी सी एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी प्लस वी सी एट इन्फिनिटी. अभी आपको बोला है कि सोर्स से टी इक्वल्स टू जीरो पे कनेक्ट हुआ है वो, दैट मीन्स अगर वो जीरो पे कनेक्ट हुआ है तो वी सी एट जीरो नेगेटिव आपकी ज़ीरो थी, यही सेम वी सी एट जीरो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट. तो अभी इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ सो आपका ये बचेगा वी सी एट इन्फिनिटी वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी. हम ये सब क्यों कर रहे हैं, उसने ग्राफ तो हमसे आई का पूछा है, करंट का ग्राफ पूछा तो हम वोल्टेज में निकाल रहे हैं. हमें ये दिख रहा है कि सीरीज में है, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालती हूँ उसके मैं करंट निकाल सकती हूँ ईजिली, रैदर देन मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको एस की टर्म्स में लिखूँ, इसको एस की टर्म्स में लिखूँ, ओवरऑल इक्वेशन बनाऊँ, उसको रिवर्स लैपलेस करूँ, वो लंबा मेथड पड़ेगा. मुझे दिख रहा है कि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में तो करंट सेम रहता है. अभी वोल्टेज में कैपेसिटर के क्रॉस ईजिली निकाल सकती हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला से, अगर मुझे ट्रांजेंट ईजिली आता है तो, और उससे मैं आई निकाल सकती हूँ. आपका आई क्या होता है, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, आपका सीरीज़ में है ना सर्किट तो करंट सेम है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग विद आई ओनली, दिस इज सेम आई. सो यह क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर है आपकी, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ सी डॉट, सो दिस विल बी लाइक वी सी एट इन्फिनिटी, राइट, वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस वन बाई आर सी आ गया. सो दिस कम्स आउट टू बी सी डॉट वी सी एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय आर सी. सो दिस इज वन बाय आर वी सी एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी. सो दिस इज योर आई. अभी आपका वी सी एट इन्फिनिटी कैसे निकाल सकते हो, वी सी एट इन्फिनिटी के लिए ट्रांजेंट का ही सेम यूज़ करती हूँ मैं. आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, डी सी दे रखा था हमें सोर्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपके वी सी थी, तो एज इट इज़ ओपन सर्किट है, कुछ करंट तो फॉलो करेगा नहीं, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगी नहीं, तो वी सी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू वी ओनली, जितना वोल्टेज डी सी का एज इट इज़ का एज इट इज़ सी के अक्रॉस आ जाएगा. तो सेम वैल्यू अगर मैं पुट करूँ सो आई विल बी वी बाय आर ई रेशियो माइनस टी बाय आर सी. मेरा एक्सपोनेंशियल का आ रहा है, एक्सपोनेंशियल का रेशियो आ रहा है ना, सो तो मेरा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल आ रहा है. तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब मैं अगर टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करूं, तो दिस इज़ वी बाय आर यहाँ पे है, जैसे जैसे मैं इसको टी को इंक्रीज़ करते जाऊंगी मेरी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, सो दिस विल बी लाइक
अब एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टी और यहाँ पे आई ऑफ टी, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी माई आई टेंड्स टू ज़ीरो बट इज़ नॉट कमिंग टू ज़ीरो, ठीक है. सो दिस इज योर ग्राफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन मार्क्स के लिए आया था. हमें देखना था कि हमारी स्पीडी अप्रोच क्या हो सकती है. ये जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है. आपको अगर क्लियर है पूरा नेटवर्क के बेसिक्स भी आपको क्लियर हैं और नॉर्मल इक्वेशन भी याद है ना हमें कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आपका क्या किया हमने, जस्ट एक कैपेसिटर की इक्वेशन यूज़ किया और एक नॉर्मल रिलेशन यूज़ किया बेसिक्स का, उसी से हमने डायरेक्ट करंट निकाल लिया. नहीं तो फिर हम उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करते, फिर उसको इन्वर्स लैपलेस लेते, देन उससे हम उसका ग्राफ निकालते. अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो हम ये सारे स्टेप स्किप कर सकते थे. हम डायरेक्ट, हमें यही याद होनी चाहिए थी कि कैपेसिटर अगर सीरीज में आया तो उसका अक्रॉस करंट कितना होता है. हमें चार इक्वेशन हमेशा याद रहनी चाहिए, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सेम करंट अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर. ये चार इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए. मोस्टली आपको एक ही इक्वेशन याद रहनी चाहिए, जस्ट हमारा आई और वी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के मामले में. सो आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख के आप इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ सिर्फ एक ही दे रखा था आपको, तो आपका ये विद इन अ सेकेंड्स हो जाता हूँ, इसलिए वन मार्क्स में आया था. क्वाइट ईजी क्वेश्चन. थैंक यू.